जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। आज काल भैरव जयंती है, जो कल शाम 6:18 से शुरू हुई और आज शाम 5:17 तक रहेगी। काल भैरव जयंती हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के रौद्र रूप काल भैरव का अवतरण हुआ था। हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये जयंती मनाई जाती है। आइए अब आपको काल भैरव की कहानी सुनाते हैं। भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली काशी के राजा हैं बाबा विश्वनाथ। साथ ही काल भैरव को इस शहर का कोतवाल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की ही मर्जी चलती है और वे पूरे शहर की व्यवस्था देखते हैं। इतना ही नहीं, बनारस यानी काशी के लोगों के बीच ये मान्यता है कि यहाँ मंदिर के पास एक कोतवाली भी है और काल भैरव स्वयं उस कोतवाली का निरीक्षण करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि काल भैरव कैसे बने काशी के कोतवाल। काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये चर्चा छिड़ गई कि दोनों में बड़ा कौन है। चर्चा के बीच शिव जी का जिक्र आने पर ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने शिव जी की आलोचना कर दी, जिससे शिव बहुत क्रोधित हो गए। उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण काल भैरव को शिव का अंश कहा जाता है। काल भैरव ने शिव जी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया, पर अब ब्रह्मा जी का मुख काल भैरव के हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था, वो उनके हाथ से चिपक गया। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव जी से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा ये है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर ये शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। उनके जाते ही शिव जी की प्रेरणा से एक कन्या प्रकट हुई। ये एक तेजस्वी कन्या थी जो अपनी लंबी जीभ से कटोरे में रक्तपान कर रही थी। ये कन्या कोई और नहीं ब्रह्म हत्या थी। इसे शिवजी ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था। शिवजी के कहे अनुसार भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों की यात्रा कर रहे थे और वो कन्या भी उनका पीछा कर रही थी। फिर एक दिन जैसे ही भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया, कन्या कहीं पीछे छूट गई, क्योंकि शिवजी के आदेशानुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी शिव की नगरी है, जहां वो बाबा विश्वनाथ के रूप में नगर के राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहां गंगा के तट पर पहुंचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काल भैरव के पाप मुक्त होते ही वहां शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। शिवजी ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। भगवान शिव की प्रेरणा से जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, बाद में वहां काल भैरव का मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। जय भैरव बाबा। आज के दिन भैरव बाबा की पूजा करने से भैरव बाबा की कृपा तो आपको प्राप्त होती ही है, इसके साथ ही आपकी कुंडली में शनि का प्रकोप भी कम होता है। हर हर महादेव।